हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद खान में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोलास्टीन एम टैबलेट के बारे में। फ्रेंड्स, प्रोलास्टीन एम टैबलेट को अल्केम लेबोरेटरी लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है और ये मेडिसिन 10 टैबलेट्स के एक स्ट्रिप में आती है, जिसका मार्केट प्राइस लगभग 170 रुपये है। दोस्तों, प्रोलास्टीन एम एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें दो साल्ट का कंपोजिशन होता है। पहला बिलास्टीन जो 20 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में होता है और दूसरा मोंटुलोकास्ट जो 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में शामिल होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में प्रोलास्टीन एम टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में जानते हैं। जैसे इस मेडिसिन के यूज़ और बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें पाए जाने वाले साल्ट के मोड ऑफ एक्शन क्या हैं, ये कैसे वर्क करती है, साथ ही साथ इस दवा के डोज, साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन के बारे में भी जानेंगे, और हमेशा की तरह उन दवाओं के नाम भी जानेंगे जिनके साथ प्रोलास्टीन एम टैबलेट को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल के एक नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल पर भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हेल्थ और मेडिसिन से जुड़े ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए इस छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि इस टैबलेट में दो साल्ट होते हैं, जिसमें अगर बिलास्टीन की बात करें तो ये एक एंटी हिस्टामाइंस दवाओं के ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसका यूज सीजनल एलर्जी, बहती नाक, खुजली, नाक से पानी गिरना, आंख लाल होना, आंखों में खुजली होना और स्किन रैशेज के साथ साथ इरिटेशन जैसे लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है। और जहाँ तक दूसरे साल्ट मोंटुलोकास्ट की बात करें तो ये साल्ट ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन के ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसका यूज मुख्य रूप से अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि डॉक्टर इस दवा को कब और किस कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, इस दवा का यूज़ एलर्जी के कारण नाक बहना, छींक आना, एलर्जिक राइनाइटिस, मौसम के बदलाव से होने वाले सर्दी, जुकाम और एलर्जी के कारण होने वाले आँखों में लाली, सूजन, खुजली इत्यादि को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सांस की नली में होने वाले सूजन को भी ठीक करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ किया जाता है, जिसमें अस्थमा के पेशेंट को सांस लेने में आसानी होती है। दोस्तों, अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये मेडिसिन बॉडी में हिस्टामाइन केमिकल के प्रभाव को ब्लॉक करता है, जिसके वजह से एलर्जी, खुजली, सूजन और स्किन रैशेज होते हैं, और साथ ही साथ लिकोट्रियन नाम के केमिकल मैसेंजर को भी ये रोकता है, जो अस्थमा और एलर्जी से होने वाले सांस की नली में सूजन के कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह प्रोलास्टीन एम टैबलेट किसी भी तरह के होने वाले एलर्जी, खुजली, लाली, सूजन और एलर्जिक राइनाइटिस में यूज़ किया जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके डोज की, तो इस दवा को खाना खाने के बाद एक टैबलेट रात में प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो इसका कॉमन डोज है। और जहाँ तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन की बात है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, ड्राई माउथ और स्लिपनेस जैसे कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। और जहाँ तक प्रिकॉशन की बात है, तो प्रेग्नेंट महिलाएँ और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं को इसका यूज़ बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हार्ट, लीवर और किडनी के पेशेंट को भी इस दवा से परहेज करना चाहिए। साथ ही साथ डिप्रेशन, शुगर और मिर्गी के मरीजों को भी ये दवा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए ऐसे किसी भी मरीज को प्रोलास्टीन एम टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर ले लेनी चाहिए। अब उन दवाओं के नाम जान लेते हैं जिनके साथ प्रोलास्टीन एम टैबलेट को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन साइक्लोस्पोरिन, एरिथ्रोमाइसिन, केटोकोनाजोल, लुलिकोनाजोल और एजिथ्रोमाइसिन के ग्रुप के हो सकते हैं, इसलिए ऐसे दवाओं के साथ प्रोलास्टीन एम टैबलेट को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेज हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में प्रोलास्टीन एम टैबलेट के बारे में जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो
तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल के मेडिसिन से जुड़े ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट का नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और मेडिसिन के टॉपिक के साथ। नमस्कार।